एनिमल सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता कंप्लीट करने वाली है और हर किसी द्वारा बोलियां लगाई जा रही थी कि एनिमल इतने करोड़ कमाएगी और उतने करोड़ कमाएगी। और जो पहला जो आंकड़ा था वो 500 करोड़ रुपए क्लब में एंट्री मारने वाला था और ऑब्वियसली मूवी ने अपने रिलीज के 6 दिन में दुनिया भर से 500 करोड़ रुपए कमाकर टॉप 3 फिल्मों में एंट्री मारी है। यह तो और किसी को भरोसा था कि जो एनिमल की जो कमाई रहेगी वो मूवी के फेवर में रहेगी, हिंदी सिनेमा की तमाम बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़कर रख देगी, लेकिन इस तरीके से जो रेस्पॉन्स मिला है, जो क्रेज मिला है, उसकी उम्मीद नहीं थी। अपने रिलीज के शुरुआती 3 दिन जो रहे थे वो मूवी के लिए मच इम्पोर्टेंट माने गए थे और तीनों दिन मूवी 100 करोड़ के पार पहुंची थी, लेकिन जैसे ही वर्किंग डे की शुरुआत आती है कहा गया था कि डाटा गिरेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। मूवी के अपने रिलीज के बाद में ये मूवी एक बार भी सिंगल डिजिट में नहीं जा पाई है, उसके बाद में जो डाटा है वो 40 करोड़ के नीचे भी नहीं पहुंचा है। जब से मूवी रिलीज हुई है तब से ये मूवी कंटिन्यू तरीके से 40-40 करोड़ रुपए से पार कमाई कर रही है और इंडिया में मूवी ने लगभग 350 करोड़ रुपए कमा लिए और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ के पार पहुंची है। 1 दिसंबर को एनिमल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, 5 अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया गया था। उम्मीद के अनुसार मूवी ने परफॉर्म किया। पहले दिन दुनिया भर से मूवी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ही कमाई की। मूवी में रणवीर कपूर के किरदार की काफी तारीफ की गई थी, उसी के चलते इंडिया से मूवी ने पहले दिन 54 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली और दुनिया भर से 116 करोड़ रुपए कमाए और यह सिलसिला कंटिन्यू 3 दिनों तक चला। मूवी ने अपने रिलीज के 3 दिनों तक कंटिन्यू 100 करोड़ रुपए से कमाई की थी और 3 दिन में मूवी ने 350 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जैसे वर्किंग डे शुरुआत हुई थी उम्मीद थी कि डाटा गिरेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। पहले मंडे को मूवी ने 43 करोड़ रुपए, ट्यूजडे को मूवी ने 41 करोड़ रुपए, अगर आज की कमाई की बात की जाए तो वो 38 करोड़ रुपए के आसपास रही है। और इन 6 दिनों में मूवी की जो कमाई हो चुकी है इंडिया से वो 300 करोड़ के पार पहुंची और वर्ल्ड वाइड में तो वन ऑफ द बेस्ट कमाई रही है और इसी के साथ टॉप 5 फिल्मों में एंट्री मार चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि एनिमल कहां तक और किस तरीके से डील करेगी, इसकी कमाई कहां तक पहुंच पाती है।